प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक मंदिरों में व्यापक सफाई अभियान चलाने का आह्वान किया। इसी के तहत आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष धर्म सिंह कोहली के नेतृत्व में शहर के प्रमुख 5 मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विकास शर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को मंदिर से जोड़ने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री ने हमेशा देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाकर देश को साफ रखने का प्रयास किया है। आज जिस प्रकार से मंदिरों गुरुद्वारों की सफाई का करने का अभियान चलाया गया है, इसी क्षेत्र के लोगों का अपना मंदिरों और गुरुद्वारों से भी जुड़ाव होगा। मंदिर के लोगों के साथ काम करके ईश्वर की भक्ति को भी प्राप्त किया जाएगा। साथ ही 22 तारीख को होने वाले श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सभी मंदिरों में दीप जलाकर दिवाली मनाकर दिव्य भव्य कार्यक्रम किए जाएंगे। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक प्रत्येक मंदिर के अंदर सफाई अभियान चलना चाहिए, जब तक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है। इसी के तहत आज दक्षिणी मंडल रुद्रपुर के अध्यक्ष धर्म सिंह कोहली के नेतृत्व में हम लोगों ने शहर के प्रमुख 5 मंदिर के अंदर सफाई अभियान चलाया, जहां पर हमारे साथ मंदिर की समिति ने भी सहयोग किया और हम लोगों ने मंदिर के अंदर झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और उसके बाद वहां मंदिर की समिति ने सबको प्रसाद वितरण भी किया। और ये अभियान 14 तारीख से लेके 22 तारीख तक अनवरत चलता रहेगा।